है एवरीवन, वेल ये प्लान नहीं था, लेकिन अचानक से मुझे ख्याल आया कि जो मुझे मैंने सीखा है लॉकडाउन में वो बनाते हैं. तो इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू टीच यू हाउ टू मेक अ डालगोना कॉफ़ी, जो कि ये वर्ड लॉकडाउन के वक्त बहुत ज़्यादा सुना गया था क्योंकि वो बहुत ट्रेंड में चल रहा था. तो सीखते हैं कि कैसे इसको बनाते हैं. तो ये एक रैंडम वीडियो होगी, कोई मतलब प्री प्लान टाइप नहीं होगी. तो हमें उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए. एज़ यूजुअल ये डालगोना कॉफ़ी है तो जाहिर सी बात है कॉफ़ी की ज़रूरत पड़ेगी और शुगर की पड़ेगी और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली गर्म पानी की, हॉट वाटर, वो भी थोड़ा सा. तो पहले उसके लिए मुझे पानी गर्म करना होगा. तो करते हैं. इसको मैं गर्म कर लूँ. तो अब सब रेडी है हमारे पास, बस इसको फटाफट करना है. तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि बीट करने के लिए हमें स्पून अगर यूज़ करेंगे तो ज़माना बीत जाएगा और इससे हम जल्द से जल्द कर सकते हैं. तो स्टार्ट करते हैं कि इसको करना क्या. तो अब हम बनाते हैं. तो मैं बता दूँ पहले कि मैं 2 टेबल स्पून कॉफ़ी पाउडर लूँगी और 4 टेबल स्पून शुगर, ये आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, और इसमें थोड़ा सा पानी. तो बनाना शुरू करें. तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा सब कुछ डालने के बाद, लेकिन इसको बीट करना है जब तक इसका कलर नहीं चेंज होता. और बीट हम करेंगे इससे, इस यूटेंसिल से, क्योंकि हम स्पून नहीं यूज़ करेंगे, स्पून से बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा. तो इससे हम जल्द से जल्द कर सकते हैं. तो कुछ मिनट आप इसको बीट करने पे कुछ ऐसा दिखेगा, लेकिन अभी भी हमें रुकना नहीं है, 5 मिनट तक करते ही रहना है क्योंकि हमें डालगोना कॉफ़ी बनानी है, नॉर्मल कॉफ़ी नहीं. तो उससे पहले मैं इस चीज़ पर इसलिए स्टॉप हो गई क्योंकि मुझे चाहिए थोड़ा सा डिज़ाइन करने के लिए. इसमें से थोड़ा सा निकाल लेते हैं. तो ये मैंने थोड़ी सी कॉफ़ी निकाल ली है और अब इसको फिर से हम जो है बीट करते हैं तब तक जब तक इसका कलर और चेंज ना. तो अब ये तैयार हो चुका है कुछ इस तरीके से. अब हमें चाहिए 1 कप मिल्क. तो उसके लिए हम करेंगे गरम इसको. अब इस गरम दूध में हम डालेंगे 1 चम्मच कॉफी और कुछ इस तरीके से दिखेगा. तो ये हमारी बन गई. और हाँ, अगर चीनी कम हो या कुछ भी तो आप उसको इसमें डाल सकते हैं दूध को गर्म करके. हो गया कम. और ये मैं पहले से रखी हुई थी इसको डिज़ाइन बनाने के लिए, इसमें मैं बनाऊंगी.